जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पर। जी हाँ, लोक शिक्षण संचालनालय अर्थात DPI विभाग द्वारा अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए एक शेड्यूल या समय सारणी जारी की गई है, जिसमें हर सप्ताह अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी और हर सप्ताह काउंसलिंग होगी, हर सप्ताह ज्वाइनिंग होगी। अर्थात प्रत्येक सप्ताह ज्वाइनिंग, काउंसलिंग व भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तो बढ़ते हैं शेड्यूल की ओर, कब क्या होना है करते हैं, जो कि DPI विभाग द्वारा आवश्यक सूचना जारी की गई है। आवेदकों हेतु आवश्यक सूचना। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु शाला विकल्प चयन की कार्यवाही प्रति सप्ताह या हर हफ्ते की जाएगी। सामूहिक समय सारणी निम्नानुसार है कि किस दिन क्या होना है। सबसे पहला ऑप्शन है GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन। तो देखें, रिक्तियों का प्रदर्शन हर माह हर सप्ताह बुधवार को होगा। शाला विकल्प चयन करना, जो कि गुरुवार से शनिवार को 2 दिन आप अतिथि शिक्षक हेतु शाला विकल्प चयन कर सकते हैं। आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन एवं मेरिट के आधार पर शालों में उपस्थिति हेतु सूचना रविवार को जारी होगी। अब रविवार को शाला में उपस्थिति की जो सूचना है शाम को प्राप्त हो जाएगी। शाला में उपस्थिति आप जो आपको विद्यालय मिला है उसमें सोमवार से मंगल आप उपस्थिति लेकर विद्यालय ज्वाइन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है बुधवार को रिक्तियां प्रदर्शित होगी, गुरुवार और शनिवार को शाला जो काउंसलिंग होगी, अर्थात शाला विकल्प चयन करने के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे कि कौन कौन सा आपको विद्यालय चयन करना है। अभ्यर्थियों द्वारा जो विद्यालय चयन की जाएगी उसकी मेरिट सूची हर हफ्ते की रविवार को जारी होगी और ज्वाइनिंग आप ले सकते हैं सोमवार से मंगलवार। उम्मीद करते कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। नमस्कार।